Hi friends and dear students, I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. And you are watching AK Study Center. And I am going to discuss little bit on the expansion of British rule. British rule के expansion के बारे में थोड़ा सा ये figure ये book में भी दिया गया है. हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से सबसे इंडिया 1797 के समय ये जो पीला वाला हम लोग जो एरिया देखते हैं, ये चलिए थोड़ा सा हम लोग जूम करते हैं. पीला वाला एरिया में बनारस, कलकत्ता और ये लिटिल बिल्ड जो भारत के जो है पश्चिमी तट वगैरह है. ये लाल वाला एरिया देखते हैं जहाँ पर अंग्रेजों का नियंत्रण नहीं था. तो इस तरह से उसके बाद जब 1840 आते आते अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण, देखिए पीला वाला एरिया प्रसार कैसे बढ़ाते गया. पीला वाला एरिया यहाँ पर कम है 1797 में, और 1840 में आकर अपना नियंत्रण किस तरह से फैला लिए. और उसके बाद फिर अब आगे हम लोग देख सकते हैं 1857 में 1857 के आसपास से पीला वाला एरिया यहाँ पर कलकत्ता, बनारस, लखनऊ, काठमांडू के आसपास एरिया, दिल्ली, लाहौर, पूना, बॉम्बे, गोवा, हैदराबाद के आसपास एरिया, मैसूर के चारों ओर के एरिया, मद्रास और साउथ इंडिया, लगभग संपूर्ण भारत पर ही शासन स्थापित कर लिया. ये पीला वाला एरिया जो देख रहे हैं ये डायरेक्ट नियंत्रण है, डायरेक्ट नियंत्रण है, परोक्ष नियंत्रण है, जिस पर संपूर्ण रूप से अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया. लेकिन इसके अलावा भी जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ एरिया है जिस पर परोक्ष डायरेक्ट नियंत्रण कंट्रोल स्थापित नहीं हुआ, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से इस पर भी अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया था. तो 1857 में संपूर्ण भारत पर ही अपना नियंत्रण स्थापित अंग्रेजों ने कर लिया 1857 तक आते आते. लेकिन 1764 में जब बक्सर की लड़ाई हुई थी तब ये तो भारत पर तो अपना नियंत्रण 1857 तक कर ही लिया था, लेकिन जो औपचारिक जो मोहर लगना था कि ये पूर्ण अंग्रेजों को भारत का दादा साबित करने वाला था, बेरोक टोक भारत का साम्राज्य घोषित करने वाला था, वो बक्सर की लड़ाई थी 1764. जो बक्सर की लड़ाई में भी अंग्रेजों ने बक्सर की लड़ाई को जीता और अपने आप को औपचारिक रूप से भारत का अपना सम्राट घोषित कर दिया. और ये हम लोग डिटेल्स उसी को हम लोग देख सकते हैं. और एक बात और भी, अंग्रेजों ने जब ये अपना, जब अंग्रेजों ने अपना ब्रिटिश कंट्रोल स्थापित कर रहे थे, तो ब्रिटिश अपना कंट्रोल स्थापित करने के क्रम में बहुत सारे काम किए हैं, जिनमें से न्यायिक व्यवस्था में भी उन्होंने अपना बहुत सारा न्यायिक व्यवस्था किया अपने ब्रिटिश भारत पर जो है, अपने भारत पर कंट्रोल करने के लिए, जिसमें भारत के राज्यों में, भारत के जिलों में वहाँ पर दीवानी मामले और फौजदारी मामले का जो कोर्ट है, अलग अलग कोर्ट का स्थापना किया गया, जिस पर ओवरऑल नियंत्रण हम बोला जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला का मजिस्ट्रेट को दिया गया है. दीवानी या व्यवहार मामले जिसको सिविल केस देखता था सिविल कोर्ट, और फौजदारी या दांडिंग मामले अर्थात उसको क्रिमिनल केस कहते हैं क्रिमिनल कोर्ट, ये दो कोर्ट सेपरेट कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, स्थापित किया गया जिला स्तर पर. और फिर हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर भारत पर भी एक पहला जो एक बोला जा सकता है कि एक सर्वोच्च, एक सेंट्रल पावर के रूप में एक सर्वोच्च न्यायालय का भी स्थापना कलकत्ता में अंग्रेजों ने किया. आगे चल के हम लोग देखेंगे ये सब कुछ फिगर्स देखते हैं. सो अंग्रेज अधिकारियों का एलिगेशन इंग्लैंड में किया गया था, मुकदमा अभियोग चलाया गया था, इसके बारे में आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे. रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे इस चैप्टर में. सिपाही म्यूटनी 1850 का भी, सिपाही ये सिपाही था, सिपाही और इसी वर्ड को अभी भी देखिए हम लोग बोलते हैं सिपाही, सिपाही जी, तो ये सिपाही से ही सिपाही जी बना है. सिपाही किस प्रकार का ये सिपाही हुआ करता था आप देख सकते हैं. ये मूलतः सिपाही जो ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश काल में होते थे, ये मुख्य रूप से यहाँ के जो किसान वर्ग थे, किसानों से ही चुनते थे, किसान से ही भर्ती किया जाता था और सिपाही बनाते थे, सिपोही. और यही सिपोही का इस्तेमाल अंग्रेजों ने किया, भारत को ही कुचलने में किया, और बाद में और फिर इन्हीं सिपाहियों से भारतीयों को भी कुचला, और फिर बाद में इन्हीं सिपाहियों को अंग्रेजों ने बहुत अच्छे तरह से कुचला. फूट डालो और राज करो और शोषण करो की नीति थी, गजब का नीति था.
और इतना प्रोफेशनल, ऐसा लगता है कि अंग्रेजों में मानवता नाम का कोई चीज था ही नहीं, शर्म नाम का कोई चीज था ही नहीं। चलिए और आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ये देखे कि थोड़ा सा हम लोग ने ये जो पढ़ा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया काल में हिस्ट्री के बारे में, तो इतिहास का क्या इंपॉर्टेंस है, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, डेट का क्या महत्व है, कितना रटना चाहिए कितना नहीं रटना चाहिए। तो ये हम लोग जहां तक देखते हैं कि डेटाओं का महत्व है और बहुत सारा डेटाओं को रटने का जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारा महत्वपूर्ण डेटाओं को रटना चाहिए, जाना चाहिए, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और डेटाओं को रटना भी कभी कभी बोरिंग चीज नहीं होता, अगर आप में कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया, इस बात को समझ गए, आपको इतिहास से मजा आ गया और इतिहास आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाने वाला है, क्या बेनिफिट लाना है, क्या क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला, किस तरह से आपके मेमोरी को इंप्रूव करेगा, पर्सनैलिटी को इंप्रूव करेगा, किस प्रकार से यही इतिहास का नॉलेज आपको जनरल कॉम्पिटिशन में नौकरी दिलाएगा, सफलता दिलाएगा और आप लाखों रुपया कमाएंगे महीना, और किस प्रकार से आप बिजनेसमैन बनेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे, नेटवर्क मार्केटर बनेंगे, ये उद्योगपति बनेंगे, किस प्रकार से अधिकारी बनेंगे, राज्य प्रशासन सेवा के अधिकारी बनेंगे, आईएएस आईपीएस इंस्पेक्टर पुलिस बनेंगे, आईपीएस एसपी साहब बनेंगे, कमिश्नर साहब बनेंगे, और किस प्रकार से बड़े धनाढ्य व्यक्ति बनेंगे। हिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। हिस्ट्री में कोई एक नॉलेज नहीं, हिस्ट्री के सब्जेक्ट में संपूर्ण नॉलेज, संपूर्ण मानव सभ्यता का नॉलेज है, चाहे वो हिस्ट्री है, इंजीनियरिंग है, इंग्लिश है, स्पोकन है, दुनिया में क्या ऐसा चीज है, डांस ड्रामा संगीत म्यूजिक डांस बीट क्या नहीं है, सिंगिंग गाना पेंटिंग मजाक किरकिरी मिमिक्री क्या नहीं है। हिस्ट्री एक मजेदार एक जीवन सब्जेक्ट है, हिस्ट्री को जानना बहुत ही जरूरी है। जो हिस्ट्री अगर जान जाता है तो डाटा और फैक्ट भी याद करना निहायत ही मजेदार है। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमें जो डायमेंशन देता है, कभी कभी किसी खास सब्जेक्ट पढ़ने से 1, 2, 4, 5 डायमेंशन मिलते हैं, साइंस को पढ़ने से, मैथमेटिक्स पढ़ने को कुछ डायमेंशन, एक अलग डायमेंशन मिलता है, लेकिन एक मानविक एक ऐसा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जितना डायमेंशन चाहे डेवलप करना उतना डायमेंशन डेवलप कर सकते हैं, और डायमेंशन की दहलीज खत्म होने के बाद एक आप फिर से एक डायमेंशन सृजन कर सकते हैं। तो हिस्ट्री एक बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि है हिस्ट्री दिन में है हिस्ट्री सफा, दिन में रहा तो रात को सफा और रात में रहा तो दिन को सफा, यह एक पुरानी सोच थी। हिस्ट्री एक मजेदार सब्जेक्ट है और हिस्ट्री के बिना काम भी नहीं चल सकता। अगर आप जन्म लिए हैं तो हिस्ट्री को जानना ही पड़ेगा, अपने भावी जिंदगी वर्तमान जिंदगी को करना है तो हिस्ट्री जानना ही पड़ेगा, और आपके जितने भी महत्वपूर्ण चीज है उसको आपको करना ही पड़ेगा। अपने जीवन को उन्नत करना चाहते हैं, चाहे वह मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, स्पोकन हो, हर चीज में आपको अच्छा करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप बैकवर्ड पीछे रह जाएंगे। तो यहाँ पर डिपेंड करता है आपको क्या करना चाहते हैं, अपना पर्सनैलिटी को डेवलप क्या करना चाहते हैं। तो ज्यादा नहीं इस टॉपिक में, और बहुत सारा समय हो गया, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि आने वाला समय में यह बहुत ही मजेदार वीडियो मिलने वाला है।